आगामी सर्दियों के मौसम में सरसों की मांग और बढ़ेगी और इस तेल का और कोई विकल्प भी नहीं है जिसका सोयाबीन की तरह आयात किया जा सके। इस स्थिति के कारण सूत्रों का कहना है कि सरकार को सरसों की अगली बुवाई के लिए बीजों का पहले से ही इंतजाम रखना होगा। खाद्य नियामक FSSAI द्वारा सरसों तेल में आयातित सहित अन्य सस्ते तेलों की मिलावट पर रोक लगाने के कारण भी सरसों तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया था। सरसों की त्योहारी मांग है जबकि कुछ किसानों को छोड़कर किसी के भी पास सरसों का स्टॉक नहीं है। सहकारी संस्था हैफेड और नैफेड के पास भी इसका स्टॉक नहीं है क्योंकि उनकी इस साल खरीद नहीं की गई है। हाजिर बाजार में सरसों की ऊंची कीमतों के चलते हैफेड और नैफेड ने सरसों की खरीद नहीं की। सरकार ऊंचे भाव के चलते खुद सरसों की खरीद नहीं कर रही है जिससे सरसों की बुवाई के लिए बीजों की किल्लत देखने को मिल सकती है। सरसों की मांग ज्यादा और मंडियों में आवक बेहद कम है। वहीं ग्लोबल सरसों के उत्पादन की बात करें तो ये 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है। 2021-22 में ग्लोबल सरसों उत्पादन घटकर 620 लाख टन संभव है। वहीं बात करें अगर सरसों के स्टॉक की तो भारत में अभी सरसों का लगभग 30 लाख टन का स्टॉक मौजूद है और सरसों की नई फसल फरवरी मार्च में आने का अनुमान है। जानकार अभी यही अनुमान लगा रहे हैं कि जिस हिसाब से सर्दियों में सरसों की खपत बढ़ने वाली है और किसान सरसों को रोक रोक कर मंडियों में ला रहे हैं इसकी कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिलती रहेगी। सरसों तेल के विशेषज्ञों का मानना है कि नई फसल आने के समय सरसों के पुराने दाने की मांग बढ़ जाती है क्योंकि नई सरसों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सरसों की नई आवक होने पर पुरानी सरसों की मांग बढ़ जाती है और कीमतें भी बढ़िया मिलती हैं। 2021 में मंडियों में जब सरसों की आवक हुई थी तब सरसों का ना के बराबर स्टॉक था, किसी के भी पास सरसों का स्टॉक नहीं था, पाइपलाइन पूरी खाली थी जिसके चलते सरसों की ज़्यादा आवक होने के बावजूद भी दाम बढ़िया बने रहे। सरसों की पेराई इतनी तेजी से और ज़्यादा हुई कि ज़्यादातर मिलें सरसों का तेल मार्केट में उतार चुकी थी। जो छोटी मझोली मिलें थीं वे सरसों की ऊंची कीमतें होने के कारण इतनी खरीद नहीं कर पाई जिससे उनकी लागत नहीं निकली और उन्हें अपनी मिलें बंद करनी पड़ी। यही खबर मार्केट में अलग तरीके से फैलती गई कि ज़्यादातर सरसों पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं जिससे सरसों का दाम गिर गया। सरसों का स्टॉक कम, खपत ज़्यादा होने के बावजूद इसका दाम एक खबर के चलते गिर गया। बिचौलियों ने खूब भी घोड़े दौड़ाए और अपना मुनाफा लेकर निकल गए। ज़्यादा दाम बढ़ने से सरकार को भी एक्शन में आना ही पड़ा। सबसे पहले सेबी ने सरसों के वायदा पर रोक लगाई, फिर सरकार ने खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट घोषित कर दी। अब इन फैसलों से बिचौलियों का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना किसानों का हुआ क्योंकि किसानों को जो कीमत मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई क्योंकि दाम गिर गए। किसानों को अचंभा इस बात का भी होता है कि जब उनकी फसल के दाम गिर गए हैं तो फिर सरसों के तेल के दाम क्यों नहीं गिरे, सरसों तेल के दाम क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं जब सरसों की कीमत कम हो रही है। सरकार सरसों तेल के दाम कम करने के लिए व्यापारियों को क्यों नहीं कहती है, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर किसान ढूंढ रहे हैं। लेकिन किसानों को अब भी उम्मीद है कि सर्दियों में उन्हें सरसों के अच्छे दाम मिलेंगे। वहीं बाजार के जानकार एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय के मुताबिक सर्दियों में तेल तिलहन की कीमतों में तेजी बनी रहेगी जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।